दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिकल टॉक पे। दोस्तों आज की वीडियो में आपके सामने प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जिसका नाम है विकॉर्ट एम क्रीम। यहाँ दोस्तों जो विकॉर्ट एम क्रीम है ये विलाइट फार्मास्यूटिकल की क्रीम है जो कि मोमेटाजोन फ्यूरेट की ये IP क्रीम है। ये विकॉर्ट एम क्रीम 0.1% क्रीम एक स्टेरॉयड क्रीम है जिसका इस्तेमाल कई टाइप के स्किन कंडीशन जैसे कि एक्जिमा, सोरियासिस, डर्मेटाइटिस और रैशेज जैसी प्रॉब्लम को ठीक करने में इस्तेमाल होता है। ये कई टाइप के सिम्टम्स स्किन डिसऑर्डर के जैसे कि सूजन होना, खुजली होना, रेडनेस होना, ये सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो स्टेरॉयड है मोमेटाजोन फ्यूरेट। इसकी मात्रा इसमें 0.1% मिली हुई है। साथ ही साथ मिथाइल पैराबिन इसमें 0.2% है, प्रोपाइल पैराबिन 0.1% इसमें मिला हुआ है। इस क्रीम को आपको एग्जैक्टली अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना है क्योंकि ये एक स्टेरॉयड क्रीम है। इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी खुद से नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको इसका इस्तेमाल करना है। और ये क्रीम जितना डॉक्टर आपको बताए तभी तक लगाएं, जितने टाइम के लिए वो रिकमेंड करें। जब भी स्किन पे लगाएं उस जगह को अच्छे से साफ़ करके सुखा लें और एक पतली लेयर, थिन लेयर अपने स्किन पे लगाएं। उस एरिया को क्रीम अप्लाई करने के बाद ढकें नहीं, कोई बैंडेज वगैरह नहीं करें जब तक डॉक्टर नहीं बोलता है। और इस क्रीम को लार्जर अमाउंट में नहीं लगा और बहुत लंबे समय तक ना इस्तेमाल करें। जितना डॉक्टर बोले बस उतने टाइम के लिए आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आपका जो कंडीशन है, आपकी जो प्रॉब्लम, जो बीमारी है, अगर 2 हफ्ते के अंदर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट, कोई भी फ़र्क उसमें नहीं दिख रहा है तो उसके बारे में अपने डॉक्टर से 2 हफ्ते बाद ज़रूर कंसल्ट करें। ये क्रीम कुछ पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट देती है लेकिन सभी को नहीं होता है, ये कुछ ही लोगों को होता है। और अगर आपको ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट होता है जैसे कि स्किन पतली होना या स्किन का कलर चेंज होना, वहाँ जहाँ पे आप लगाते हैं वहाँ पे हल्की जलन और खुजली होना, ये सारी चीज़ें कॉमन है, हो सकता है आपको ऐसे साइड इफ़ेक्ट हो, तो घबराएं नहीं, ये परेशानी की बात नहीं है। ये साइड इफ़ेक्ट थोड़े समय के लिए रहते हैं और धीरे धीरे खुद ही चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा हो तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उस क्रीम का तुरंत वहीं पर इस्तेमाल रोक के। ये आपकी स्किन को पतला करती है और साथ ही साथ अगर आपको कोई मेडिकल इशू आपकी पास्ट में रहे, यानी आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री रही हो जैसे कि पहले से आपकी स्किन पतली हो या कोई स्किन इन्फेक्शन हो या स्किन कटी जली हो या अल्सर वगैरह हो या आपको डायबिटीज़ या इम्यून सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें ताकि उसके अकॉर्डिंग आपका डॉक्टर आपको इस दवा को इस्तेमाल करना रिकमेंड करे। ये एक टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जिसका काम स्किन कंडीशन जैसे कि सूजन, खुजली, एक्जिमा, सोरियासिस, डर्मेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम को ठीक करने में इस्तेमाल होता है। ये काम करता है कि जो केमिकल बॉडी में होता है जो स्किन की इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसके एक्शन को कम कर देता है जिससे कि आपकी स्किन की जो कंडीशन हुई, जो प्रॉब्लम हुई, धीरे धीरे ठीक हो जाती है। सोरियासिस में ये जो स्कैली में स्केल्स पड़ जाती है या इसी पैचेस हो जाते हैं और जो खुजली वगैरह होती है, उन सब प्रॉब्लम को दूर करके आपको आपकी जो कंडीशन है उसको अच्छे से इम्प्रूव करके आपके इन्फेक्शन को ठीक करता है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये जो क्रीम है इसकी जो MRP है ये 175 रुपये, इस क्रीम की MRP है 175 रुपये। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो इस क्रीम पे, विकॉर्ट एम क्रीम पे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। इससे रिलेटेड कुछ सवाल करना चाहते हो, कुछ कहना है, बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप ऐसे जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं जल्दी फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, लॉजिकल टॉक देखते रहें। गुड बाय, टेक केयर।